So I was saying, you know, ultimately, what is the charge laid at your doorstep? You're being called opportunistic by the government. You're being called trying to make a quick buck at the back of an agitation. Because they say you yourself, your own manifesto in 2019 had very similar APMC acts which you wanted yourself to put in force. Your own party ally, then Agriculture Minister, Mr. Sharad Pawar, when he was Agriculture Minister, wanted privatization of agriculture. So why this duplicity and right now hypocrisy? प्रीति, मैं भी हिंदी में बात करूंगा ताकि जो है और भी पैनलिस्ट को थोड़ा समझ में आ जाए. अरे दो तीन चीज साफ है. देखिए, हम कोई एजिटेशन को हैजैक नहीं कर रहे हैं. हम किसी किसानों के कंधों पे खड़े होके हम अपनी जो है राजनीतिक गोली नहीं चला रहे हैं. एकदम साफ है. जिस दिन ये बिल्स पेश हुए थे लोकसभा में और राज्यसभा में, हम लोगों ने साफ तौर से इसके खिलाफ खड़े हुए थे. 8 जो राज्यसभा में एमपी सस्पेंड हुए थे, उसमें 3 कांग्रेस पार्टीज के एमपी सस्पेंड हुए थे. और डे 1 से हम लोगों ने कहा कि ये बिल्स किसान विरोधी है, किसान के हित में नहीं है. ये सिर्फ जो है क्रोनी कैपिटलिस्ट, जो मोदी जी के और भाजपा के चंद जो क्रोनी कैपिटलिस्ट फ्रेंड्स हैं, उनको जो है ये मदद करने वाली बिल्स है. अरे डे 1 से हम कह रहे हैं. एजिटेशन तो बहुत बाद में स्टार्ट हुआ. एजिटेशन बाद में स्टार्ट हुआ, राज्यसभा में ही हंगामा हुआ. और धरना हिंदुस्तान की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पहली बार जो है पार्लियामेंट के अंदर धरना हुआ है. हम लोगों ने वहां पे पूरा एक रात दिन भर रात भर जो मालूम वहां पे बाहर बैठे थे. उसके बाद में ही 8 दिन का पार्लियामेंट सेशन रहते हुए भी सरकार को ये लगा कि ये मुद्दे पे बहुत ज्यादा तहलका मच जाएगा हिंदुस्तान भर में. वहां पे 8 जो सस्पेंडेड एमपीज हैं और अपोजिशन पार्टीज के एमपी धरना पे पार्लियामेंट के अंदर बैठे, इसीलिए उन्होंने सेशन को अर्जेंट किया था. तो ये हम अभी आंदोलन के बीच में जा रहे हैं या उनको उनका हैजा कर रहे हैं, उनके साथ में बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं है. डे 1 से हम खिलाफ हैं. ये किसान विरोधी बिल से हम इनका विरोध करते रहेंगे. और दूसरी बात जो है, हुसैन साहब, क्या 2019 में आपका मैनिफेस्टो में सिमिलर लॉ नहीं था? और सर, क्या शरद पवार जी ने, जब वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे आप ही की गवर्नमेंट में, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन के लिए नहीं पिच किया था? प्रीति जी, आप हमारे मैनिफेस्टो के सेक्शन 7 के पॉइंट नंबर 10 की एक बात कर रहे हैं. उस सेक्शन में 22 पॉइंट है. हम लोगों ने ये बोला कि ये बिल को रिपील करके छोटे टाउन्स और बड़े गांव के पास हम मार्केट लेके जाएंगे. हजारों एपीएमसी मार्केट क्रिएट करेंगे. हम मार्केट को किसान के खेती के पास में खरीब ले जाएंगे. ये हम लोगों ने उसमें किया है. ये भारतीय जनता पार्टी और कुछ सेक्शंस ऑफ मीडिया ये किसानों को हमारे मैनिफेस्टो को लेके जो है कंफ्यूज करना बंद करें. पूरा मैनिफेस्टो आपके स्क्रीन पे आप चिपका दें, उसमें एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. हम किसान के हित में खड़े हुए हैं, किसी भी हालत में पीछे हटने वाले नहीं है. और किसान के, और आज नहीं है, आज राहुल गांधी जी आज नहीं जागे हैं. पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में उन्होंने बड़े बड़े किसान रैली, जैसे ही वो बिल पे हंगामा हुआ उसके 8-10 दिन बाद में ही तीनों स्टेट्स में बड़े बड़े रैली किए हैं. और देश भर में जो किसान ने कॉल दिया है, हम लोगों ने ओपनली उनके कॉल पे भारत भर में पार्टिसिपेट किए हैं. और जगह जगह हम लोगों ने पंजाब में जी राहुल गांधी ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी, सही खड़े रहेंगे. भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे, मोदी कुछ भी कहे, उनके पक्ष में हम खड़े रहेंगे.